हेलो दोस्तों, आज हम टैफिक 30 ऑर्चर्ड प्लस जो कि मैसी का ट्रैक्टर है, जो कि 30 हॉर्स पावर में यह ट्रैक्टर आता है। बिल्डिंग मटेरियल वालों के लिए यह ट्रैक्टर बहुत ही अच्छा है। जो भाई बिल्डिंग मटेरियल काम या छोटा मोटा भट्ठे का काम रहता है, तो यह 70 या 80 कुंटल पर बहुत ही आसानी से यह ट्रैक्टर खींच लेता है। तो आज हम इसी ट्रैक्टर के बारे में आपको बताएँगे कि इस ट्रैक्टर के क्या फ्यूचर्स हैं और इसमें क्या अच्छाई है। सबसे पहले हम इसके अगले टायर की बात करते हैं, तो इसका अगला टायर आपको देखने को मिलेगा 5.5-16 का, जो कि काफ़ी छोटा टायर है। और जो पिछला टायर इसका रहेगा वो 12.4-24 का रहेगा। आप देख सकते हैं 12.4-24 में इसका पिछला टायर आएगा। अब वही फ्रंट से स्टार्ट करते हैं, तो इसका अगला एक्सल बेंड टाइप का आता है। आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा ही बेंड है, जिससे कि इसका टर्निंग रेडियस बहुत ही कम होता है ट्रैक्टर का, जो कि काफ़ी कम दूरी में यह ट्रैक्टर मुड़ जाता है। बात करें इसके टर्निंग रेडियस की, तो इस ट्रैक्टर का टर्निंग रेडियस 2300 mm ब्रेक लगा के की दूरी में आपको घूम जाएगा ट्रैक्टर। बात हम आगे फ्रंट की करते हैं, तो आप देख सकते हैं आगे की तरफ ग्रिल लगी हुई है, जो इंजन को कूल करने में मदद करती है। साथ ही में जो इसकी लाइट रहती है, आगे हैलोजन वाली लाइट है, जो कि साइडों में लगी हुई है काफ़ी खूबसूरती के साथ। अगला एक्सल आप देख सकते हैं। बात करें इसके बम्फर की, तो इसमें ट्रैक्टर में अगला बम्फर नहीं आता है, या सिर्फ ऐसा ही ट्रैक्टर आता है, देख सकते हैं आप लोग। ट्रैक्टर का मेन बोनेट खोलने के बाद ट्रैक्टर कुछ इस तरीके से नज़र आपको आएगा। अगर इस ट्रैक्टर के हम फ्यूल टैंक की बात करें, तो 25 लीटर का इसका फ्यूल टैंक आता है, जो कि ट्रैक्टर के हिसाब से बहुत सही है। और जस्ट यह आपको सिलेंडर के ऊपर रखा हुआ मिलेगा। वहीं अगर बैटरी की बात की जाए, तो बैटरी आप जस्ट टंकी के आगे सेफ्टी के साथ में बैटरी रखी हुई मिलेगी। बात करें इसके अगर इसके एयर क्लीनर की, तो इसमें आपको भैयों ऑयल बाथ टाइप वाला आपको एयर क्लीनर देखने को मिलेगा, जो आप देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरती के साथ छोटा सा। अगर इस ट्रैक्टर के टोटल वेट की बात की जाए, वजन जो कि ट्रैक्टर का पूरा वजन, तो 1520 किलोग्राम इस ट्रैक्टर का टोटल वजन आपको देखने को मिलेगा। वही अगर इसकी ओवरऑल लेंथ मतलब पूरी लंबाई की बात करें, तो 2672 mm इसकी लंबाई मिलेगी देखने को। वही इसकी चौड़ाई बहुत ही कम है, 1420 mm इसकी चौड़ाई आपको देखने को मिलेगी। वही अगर टोटल हाइट की बात की जाए, तो 1600 mm आपको इसकी हाइट देखने को मिलेगी। वहीं अगर इसका व्हील बेस मतलब अगले पहिए से पिछले पहिए की दूरी, ये व्हील बेस रहती है, तो इसका व्हील बेस इसका 1600 mm आपको देखने को मिलेगा। वहीं इस ट्रैक्टर के अगर ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें, ग्राउंड क्लियरेंस मतलब ज़मीन से ऊंचाई, ट्रैक्टर की ऊंचाई, तो इसका ग्राउंड क्लियरेंस आपको 280 mm आपको देखने को मिलेगा, जो कि बहुत ही अच्छा ट्रैक्टर है ट्रॉली के मामले में, देख सकते हैं आप। ट्रैक्टर का एयर क्लीनर आपको कुछ इस टाइप से देखने को मिलेगा, देख सकते हैं आप। अगर इसके पंप की बात करें, तो बॉस का इसमें इनलाइन पंप रखा हुआ आपको मिलेगा, जो कि यह 2 सिलेंडर में ट्रैक्टर आता है, देख सकते हैं आप। इंजन की बनावट कुछ इस टाइप से रहेगी, जो कि इस ट्रैक्टर का स्टॉक अधिक होने के कारण या लंबाई में या हाइट में, इस ट्रैक्टर की ज़्यादा हाइट में ज़्यादा इसका इंजन देखने को मिलेगा, और चौड़ाई में इसका कम देखने को मिलेगा। बात करें इसके फ्यूल फिल्टर की, तो इसमें प्राइमरी और सेकेंडरी फिल्टर आपको देखने को मिलेगा, एक कागज़ वाला फिल्टर और दूसरे कपड़े वाला, तो दोनों उसमें फ़िल्टर आपको देखने को मिलेंगे। वहीं अब हम इसके गियर बॉक्स की तरफ आते हैं, तो आप देख सकते हैं इसका जो गियर बॉक्स है 8+2 है भाइयों। आप देख सकते हैं लीवर पे लिखा है 8+2, मतलब 4 हाई के 4 लो के 8, और एक बैक में आपको देखने को मिलेगा हाई और लो में, तो 8+2 इसमें गियर बॉक्स आपको देखने को मिलेगा। साथ ही में हाई और लो का यह लीवर बहुत छोटा सा लगा हुआ है, देख सकते हैं आप। बात करें हम इसमें पैडल की, तो पहले जो 241 में पैडल आते थे क्लासिक टाइप के, तो वही आपको पैडल इसमें भी देखने को मिलेंगे। इस टाइप से इसके पैडल कुछ आपको देखने को मिलेगा। अगर हम बात सीट की करें, तो सीट काफ़ी अच्छी एडजस्टेबल आपको सीट भी देखने को मिलेगी। वहीं साथ में ट्रांसपोर्ट वॉल्व आपको इस ट्रैक्टर में देखने को मिलेगा।
अगर बात हम इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की करें तो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको अलग अलग सबका अलग अलग आपको देखने को मिलेगा। रेस का, फ्यूल का, ये सब आपको अलग ही अलग देखने को मिलेगा। स्टेयरिंग की बात करें तो स्टेयरिंग थोड़ा सा, ज़्यादा बड़ा नहीं कह सकते, बट थोड़ा हल्का सा मीडियम में आपको स्टेयरिंग देखने को मिलेगा इस टाइप से। ट्रैक्टर सब भाइयों, या ट्रैक्टर सबसे अच्छी बात इसमें भाइयों, तो आपको दो टाइप के पीटीओ देखने को मिलेंगे। लाइव पीटीओ जो 540 देता है, 1500 इंजन आरपीएम पे वो 540 मिलेगा, और 1000 राउंड भी आपको मिलेंगे जो कि 1500 इंजन आरपीएम में आपको देखने को मिलेगा। तो इसमें तो आपको डबल पीटीओ इसमें देखने को मिलेगा। वहीं अगर इसके ट्रैक्टर की बात करें हम ब्रेक की, तो इसमें ब्रेक आपको मैकेनिकल ब्रेक देखने को मिलेगा, साथ ही में यह ट्रैक्टर आपको डुअल क्लच में देखने को मिलेगा, जो कि एग्रीकल्चर पर्पस से भी अच्छा ट्रैक्टर है और हॉलेज में तो सबसे अच्छा है ये। अब बात हम पिछले इसके एक्सल की करते हैं, तो आप देख सकते हैं यह इसका पिछला एक्सल है, काफ़ी हैवी एक्सल है, छोटा ट्रैक्टर के हिसाब से अच्छा एक्सल आपको देखने को मिलेगा। बात करेंगे ट्रिपिंग ट्रॉली किट की, पाइप किट की, तो इसमें एक आपको ये देख सकते हैं कि इसमें एक किट कंपनी फिटेड, साथ में लक्की मिलेगी, और इसमें 3 पॉइंट लिंकेज तो नहीं, इसमें 1 पॉइंट लिंकेज आपको देखने को मिलेगा। हिच आपको एडजस्टेबल तो नहीं मिलेगी, इस टाइप से आपको हिच देखने को मिलेगी। लिंक लेवलर की बात करें तो इसमें एक ही साइड में लिंक लेवलर आपको देखने को मिलेगा। बाकी आपको मिडगार्ड जो कि इस तरीके से थोड़ा देखने को मिलेंगे, छोटे मिडगार्ड काफ़ी अच्छे देखने में खूबसूरती के साथ, या बैक हैलोजन लाइट आपको इस टाइप से देखने को मिलेगी। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।